डिनर में पाव भाजी बनाई है, रोहन को पसंद है ना? अरे मैडम, आपका पति उतना भी यूजलेस नहीं है। आजकल यूट्यूब पे हर चीज सिखाते हैं। हाँ पक्का आ रहा है वो, क्यों? सुधा, पिछले साल ऑफिस के काम से दिल्ली गया था वो, इसलिए नहीं आ पाया। फिर मैं सब संभाल लूंगा। आगे शायद सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना? आओ बेटा। हाय बाबा। हाय बाबा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम ठीक। आओ मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे बाबा आप बैठिए, पानी मैं लेकर आती हूँ। कैसे हो बेटा? रोहन? हाँ कैसे हो? ऑल वेल बाबा, आप कैसे हो? ठीक हो बेटा। बाबा सो बाबा क्या चल रहा है? मैंने सुना है आजकल मास्टर शेफ की तैयारी शारी चल रही है। अरे बेटा आजकल यूट्यूब पे सब कुछ सीखा जा सकता है, वहीं पर देख के सीख रहा हूँ। वाह, यूट्यूब एंड ऑल। बाबा आप फेसबुक पर भी आ जाइए। अरे बेटा ये फेसबुक मेरे किस काम का है, हमने तो जिंदगी भर यूं फेस टू फेस ही बात की है। बाबा बहुत आसान है, मैं आपका अकाउंट सेट कर दूं। खाना खाए बाबा, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसता हूँ। आज पाव भाजी बनाई है, स्पेशल पाव भाजी। अरे वाह, चलिए मैं आपको किचन में हेल्प करती हूँ। चलो। कैसे बनी है? ठीक है ना? अच्छी बनी है बाबा। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है। दिस इज अमेजिंग। सीरियसली? बाबा आप ना मुझे इसकी रेसिपी भेजना, मैं घर पे ट्राई करूंगी। एक्चुअली फर्स्ट टाइम पाव भाजी बनाई ना, थोड़ा नर्वस था मैं। वैसे पुलाव बनाने में एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं। क्या बात है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम पुलाव का प्लान करते हैं, क्यों रोहन? हाँ बिल्कुल। बेटा तुम्हारी बाइक यहाँ पड़े पड़े धूल खा रही है, उसे लेकर क्यों नहीं जाते? बाबा घर तो ऑफिस के पास ही है, तो बाइक की जरूरत नहीं है। वैसे तो वैसे ही आओ, कभी कभार बाइक पे राउंड मार लिया करो, कोई भी मशीन पड़े पड़े सड़ जाती है बेटा। ठीक है बाबा। लाइए बाबा आपका फोन, मैं आपका फेसबुक का अकाउंट सेट कर देती हूँ। अच्छा बेटा वो मिष्टी दोई लाए हो ना? मिष्टी दोई? रोहन के ऑफिस के बगल में जो बंगाली मिठाई की दुकान है ना, वहाँ की मिष्टी दोई सुधा को बहुत पसंद थी,
उसके फोटो के सामने रखनी थी। क्या हुआ बेटा? बाबा, आपने कल सुबह बताया था मुझे, कल सुबह। आप कम से कम एक रिमाइंडर तो दे देते मुझे। पापा, मुझे ऑफिस में 500 काम होते हैं, मुझे लगातार कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। इस सबके बीच आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मिष्टी दोई वाली बात भी याद रखूं, वो भी दूसरे दिन। मतलब पापा, आपके पास सेलफोन भी है ना? आप एक एसएमएस कर देते, मैं ऑफिस से आते वक्त पिकअप कर लेता। सॉरी बेटा। पापा, अब आप सॉरी क्यों? नहीं नहीं, मुझे एसएमएस कर देना चाहिए था, छोड़ दो। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी था वो। कल परसों जाकर मैं ले आऊंगा उसे, डोंट वरी। बाबा, मॉम के फोटो के आगे स्वीट्स रखने हैं ना? आई थिंक मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, वो हम फ्लाइट में आ रहे थे ना उस दिन, तब मिले थे, इफ यू डोंट माइंड। अरे बिल्कुल चलेंगे, चॉकलेट्स भी चलेंगे, स्वीट तो आखिर स्वीट होता है ना। हमें चलना चाहिए बाबा। इतने जल्दी? हाँ, मुझे कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन है तो, और कविता को भी लेक्चर है यूनिवर्सिटी में, इसीलिए। बिल्कुल चलना चाहिए आप लोगों को। जी बाबा। गुड नाइट बाबा। बाय। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी ला रहा है रोहन। अरे बाबा, अभी बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रह जाएगा वो? हाँ, रोहन को आने दो, सब पता चल जाएगा। अरे मैडम, आपके पति देव ने तो कमाल कर दिया, क्या पावभाजी बनाई थी, रोहन तो पागल हो गया तारीफ करते करते। हाँ हाँ, कविता को भी बहुत पसंद आई, मुझसे रेसिपी मांग रही थी, मैंने तो साफ मना कर दिया, बोला अगर तुम्हें पावभाजी खानी है तो यहाँ पर आना पड़ेगा मैडम, ये रेसिपी वगैरह नहीं मिलेगी। हमारा सीक्रेट फॉर्मूला है, ऐसे कैसे दे दो उसे। ठीक है बाबा, ठीक है, कल सवेरे दे दूंगा उसे रेसिपी। कुछ अरे वो सरप्राइज वाली बात तो भूल ही गया मैं। ये कोई ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं है, फॉरेन का चॉकलेट है मैडम। हम तो कभी फॉरेन नहीं जा पाए, लेकिन रोहन और कविता की बदौलत आज फॉरेन का चॉकलेट खाने मिल रहा है। अरे नहीं, रोहन के ऑफिस के बगल वाली जो मिठाई की दुकान है ना, वो अब बंद हो गई है। नहीं,
टेम्पररी नहीं, परमानेंटली बंद हो गई है। अब क्यों बंद हो गई है मुझे कैसे पता चलेगा? हमारे कॉलोनी के बगल वाली शॉप भी तो बंद हो गई है ना, तो फिर? अरे ये फॉरेन का चॉकलेट खिला रहा हूं और तुम हो के मिष्टी डोई पे ही अटकी पड़ी हो। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली मैं भी खाऊंगा, आई पड़ी अकेली खाने वाली। क्या हुआ बेटा? कुछ भूल गए क्या? क्या हुआ? आपने कहा था ना मशीन पड़े पड़े सड़ जाती है, मैंने सोचा अब ठीक ही है। पता नहीं कैसे बाइक चलाते चलाते मैं ऑफिस तक पहुंच गया। और एब्सोल्युटली बस धूल चली गई आंखों में बाइक चलाते वक्त। तो फिर चले मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने मिष्टी दोई के साथ।